औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ले जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल डिलाइट। वो बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्यूरी बनाई है स्ट्रॉबेरी की। ये मैंने 15 से 20 अदर प्यूरी स्ट्रॉबेरी ली है और इसको मैंने बिल्कुल सादी स्ट्रॉबेरी और कुछ नहीं डालना, बिल्कुल सादी स्ट्रॉबेरी को डाल के मैंने इस तरह ब्लेंड करके इसकी एक स्मूथ सी प्यूरी बना ली है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं जिनको मैंने इस तरह काट लिया है, ठीक है। और उसी के साथ मैंने ये केक लिया, ये बिल्कुल ये केक बाजार से आम मिल जाते हैं, इनको मैंने इस तरह रफली सा जो है ना चॉप कर लिया है। और उसी के साथ मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, ये 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है और 1 पाइनएप्पल का टुकड़ा जो मैंने दरमियान में से काट के रख लिया ये गार्निश के लिए। और यहाँ पे मैंने ली है 1.5 कप क्रीम और उसी के साथ यहाँ 3 से 4 अदर जो स्लाइस थे पाइनएप्पल के उनको मैंने शेप में काट लिया है। ले जी बस अब हम करते हैं अपनी क्रीम को वेप। ये बिल्कुल आहिस्ता से ये जो है ना मैंने वेप करना स्टार्ट किया। अभी इस टाइम इसको थोड़ा सा स्टॉप करके इसके अंदर अपना कंडेंस मिल्क पहले ऐड करेंगे। ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया और इसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको जो है 1 मिनट और व्हिप करेंगे। ये 1 मिनट व्हिप करने के बाद अब हम जो है अपनी स्ट्रॉबेरी की प्यूरी अंदर ऐड करेंगे। अब इसको व्हिप करते हैं और थिक करते हैं। कितनी जबरदस्त क्रीम जो तैयार हो रही है, नेचुरल है, कोई अंदर फ्लेवर ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं, ये हम एक नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। हमने थोड़ा सा थिक रखना है, ये देखें ये जैसा बन रही है। अब इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी और स्मूथनेस आए। ये देखिए इस टाइम पे बस कर, ये देखिए अब माशाल्लाह ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। लेजी वर्स हमारी क्रीम हो चुकी है वेप। मैंने उसको वेप करके फ्रिज में रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए ताकि वो थोड़ी चिल्ड हो जाए। अब ये जो है ना हमने लिया था केक को जो हमने चॉप किया था, अब हम जो है ना इन केकों को इनकी पहली लेयर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इसको जो है हमने इसकी पहली लेयर लगा देनी है बिल्कुल इस तरह से। ये हमारी पहली लेयर आ गई। अब इसी के साथ जो है हम थोड़ी सी और खूबसूरती के लिए इसके साइडों पे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रॉबेरी उठाई और इस तरह से लगा दी। ये बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पे रख के आपने लगानी है स्ट्रॉबेरी। जी इस तरह लग गई, ये चारों अच्छी तरह सारी स्ट्रॉबेरी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह पाइनएप्पल डालेंगे ताकि जो है ये और जो है ना अच्छा लगे और एक पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। ये लें जी, ये इस तरह से और आया थोड़ा सा पाइनएप्पल,
इस तरह से सारा इसको पाइनएप्पल से भर देंगे और ऐसे हाथ की मदद के साथ इसको पूरा इस तरह सेट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी वेब की हुई क्रीम डालेंगे। अब इसके ऊपर जो है ना व्यूअर्स, हम अपनी ये वेब की हुई क्रीम डालेंगे, ये लें जिसको इस तरह जो है ना भर देंगे हम इसके साथ, सारी जो है इस तरह आ जाएगी इसी के ऊपर, ये लें, ये सारा इसको इसके साथ ऐसे कवर कर देंगे हम। और ये इस तरह हमारा सारा कवर हो गया। ले जो अब जो हमारी बाकी स्ट्रॉबेरीज है, हम इसको इसके ऊपर इस तरह लगाते जाएंगे, इस तरह से हम इसको सेट करते जाएंगे, इस तरह से पकड़ा और ये इसको इस तरह से लगाते गए, इसको खूबसूरत सा करके हम इस तरह बनाएंगे स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल डिलाइट को। एक और चीज मैं इस जगह पे आपको बताता चलूं, मैं इसके ऊपर जो है ना ये वाली क्रीम यूज कर रहा हूँ इस तरह से। अगर आपके पास ये स्प्रे वाली क्रीम नहीं है तो आप अपनी इसी क्रीम में से थोड़ा सा क्रीम को साइड पे करके और वेब कर लें और बाद में इसमें इस कोन की मदद के साथ जो है ना आप इसको लगा लें वेब करके। और इसी के साथ जो है हम ये एक पाइनएप्पल का एक टुकड़ा इधर रखेंगे और दूसरा हम यहाँ पे इसके ऐसे साथ रख देंगे और इसी के साथ जो है हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का इस तरह से एक टुकड़ा इस तरफ और एक टुकड़ा इस तरफ हम लगा देंगे और बाद में हम इसको अपनी ये स्प्रे के साथ जो है ये गार्निश कर देंगे साथ में थोड़ा सा। ये हमारा आज का पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी डेलाइट तैयार है। ये देख लीजिए आपके सामने है सारा, ये माशाल्लाह कितना जबरदस्त बना है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ले जीवर्स, आज की हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ और एक नए दिन के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपका अपना शेफ शेफ इनाम, अल्लाह हाफिज़।